लेक्चर नंबर 9 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटलाइन है आपके पास वो आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशंस सेकेंडली ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसमें मैट्रिक्स एज ए ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ करेंगे। थर्ड में आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम सीखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स इक्वेशंस। मैट्रिक्स इक्वेशंस में आपने उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले इट्स सो सिंपल, ए एक्स इज इक्वल बी मैट्रिक्स को आपने इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स आपने लिखना है। उसके बाद आपने उसके सॉल्यूशंस आपको बताने चाहिए कि आपने सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं। नंबर वन ये है, नंबर टू ये है सॉल्यूशंस, और थर्ड पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन या मैपिंग के फंक्शंस और मैपिंग क्या है। ठीक है, अब ये देखें कि जब जो मैपिंग है, मैपिंग भी आपको समझ आनी चाहिए कि मैपिंग है क्या। इसमें आपके पास ये जो फर्स्ट आर है जो कि आर की पावर एम है, एम कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एम से मुराद ये कि वो आप कौन सा मैट्रिक्स आप लेना चाहेंगे, R2 मैट्रिक्स लेना चाहेंगे या R3 मैट्रिक्स लेना चाहेंगे, कोई भी आप मैट्रिक्स लेना चाहोगे तो उसकी मैपिंग आप नेक्स्ट मैट्रिक्स पे करवा रहे हो कि आप किस पे करवाना चाह रहे हो, R2 पे करवाना चाह रहे हो, R3 पे करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास डोमेन है और जिस पे मैपिंग करवा रहे हैं जिसके साथ वो कोड डोमेन कहलाएगी आप। ठीक है, और जो ये हमारे पास टी इसका आंसर आ रहा है, टी ऑफ एक्स इसका आंसर आएगा, ये आपके पास रेंज कहलाएगा मैपिंग का जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन चीज़ें हैं जो कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि आपको पता होना चाहिए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास फर्ज करें जो चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीनियर कम्बिनेशन होनी चाहिए। लीनियर कम्बिनेशन क्या है, C1 V1 + C2 V2। अब इसे V1 V2 UVB हो सकता है। ठीक है, तो ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आपके पास पहले ये होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे ए कैपिटल टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, C1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी ऑफ B1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B1 प्लस C2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B2।
तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये फर्स्ट रूल है कि आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कन्वर्ट हो सकती है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैपिंग होती है। मैपिंग आप ये देख सकते हैं कि इसकी आप ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं एक लीनियर कम्बिनेशन के साथ, तो टी जो है ट्रांसफॉर्मेशन बी वन के साथ आ जाए और टी ट्रांसफॉर्मेशन बी टू के साथ आ जाए, ठीक है, ये इसका फर्स्ट रूल है। और सेकेंडली क्या है, टी ऑफ, सेकेंड जो हमारे पास रूल है सेकेंड डीसी के अंदर कवर हो गया, जनरल फॉर्म बना दीजिए। ये हमारे पास फर्स्ट का रूल है। सेकेंड रूल क्या है, टी ऑफ सी वन बी वन, ये किसके इक्वल होगा, सी आपके वन आपके पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा और टी ऑफ बी वन, तो ये सेकेंड रूल है। जब दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है तो कंबाइन करके आप इसको यूं लिखेंगे, टी ऑफ सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू इक्वल टू सी वन टी ऑफ बी वन प्लस सी टू टी ऑफ बी टू। आप इसको जनरलाइज फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जनरलाइज, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। अब ये एग्जांपल देखें कि आप आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जा रही है आर थ्री से आर टू पर, ठीक है। आर थ्री से मुराद आपके पास कॉलम में थ्री नंबर्स हैं और उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आर टू में, आपके पास कॉलम में टू नंबर आ जाए, ठीक है। आपके पास टी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। अगर एल लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आर क्यूब से आर टू, इसका मतलब ये है कि आप थ्री डिमेंशन से टू डिमेंशन की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके पास लिखा होगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में किस फॉर्म में है, आप दे रहे हो एक्स वाई के फॉर्म में, आर थ्री से आर टू में जा रहे हो, इसका मतलब आपने इस पे लीनियर कॉम्बिनेशन अप्लाई करके इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपने आर टू में ले ली है। आर टू में मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप ये देखें आपके पास वेक्टर्स क्या क्या हैं, यू आप देखा आपने यू लेना एक बी है, ठीक है। यू आपके पास क्या होगा, एक्स वन वाई वन जी वन, ठीक है, और वी वेक्टर होगा आपके पास एक्स टू वाई टू जी, ये दो वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है। अब आपने सबसे पहले इसका जो फर्स्ट रूल है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का, यू प्लस बी के ऊपर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर, ठीक है। जब यू प्लस बी पे आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो जस्ट आपने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी वैल्यू लिखनी है, पहले आपने एक्स वन वाई वन जी वन प्लस एक्स टू वाई टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ये सम में हो रहा है, ठीक है। तो सम में आप लिखोगे एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू कॉमा जी वन प्लस जी, ठीक है।
आपने इसको टू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है, एल की फॉर्म में है तो वो कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है, एक्स वाई की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। ये जब आप इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो किस फॉर्म में आंसर आ रहा है, एक्स वाई किस फॉर्म में आ रहा है। इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगी हुई है एल, जब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करोगे तो ये आपके पास जस्ट टू फॉर्म में आ जाएगा, एक्स और वाई। ये मैं आपको बताता चलूंगी, ये आपके पास कंडीशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जिस फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। कंडीशन गिवन होने की वजह से आपने उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दी, ठीक है। जब आप अप्लाई की है तो अब ये देख सकते हो कि ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया, एक्स वन और वाई वन प्लस एक्स टू वाई, ये इस फॉर्म में आ गया। अगर इस फॉर्म में है एक्स वन वाई वन, ये किस फॉर्म में आएगा, एल ऑफ एक्स वन वाई वन जी वन एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ बी। तो ये अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके लिए ये आपने प्रूव कर दिया फर्स्ट रूल, एल ऑफ यू प्लस बी इज इक्वल एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ बी। ये फर्स्ट रूल आपने इस पर अप्लाई किया है और आपके पास ये आंसर आया। जस्ट मैंने प्रूफ करवाया आपको, अभी मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अब इसका सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि आप इस पर कोई कांस्टेंट अप्लाई करवाते हो, ठीक है, तो कांस्टेंट अप्लाई करवाते हो लाइक दैट, आप सी कांस्टेंट ले लो। तो मैं इसको थोड़ा सा मीन्स, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप अभी हैंड रेज कर सकते हो, इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो ताकि हम इसको रिवाइज कर लें अगर नहीं भी क्लियर हुआ। जी फहद, कोई कन्फ्यूजन है इसमें कहाँ पे? मैं रिवाइज करवा देता हूँ, मुझे ये बताओ आपको कहाँ से समझ नहीं है, किस स्टेप से? ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, ठीक है, आर थ्री से आर टू में जाना है आप, ठीक है, और ये आपके पास कंडीशन है, ये कंडीशन है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप इस पर अप्लाई करोगे आपका आंसर ये आएगा। अब ये देखो, हम आर थ्री से आर थ्री में नहीं जा रहे, टू में जा रहे हैं, आर टू का मतलब है कि आपके पास ऑर्डर पेयर्स की सूरत में होता है। आर टू से मुराद आपके पास जस्ट टू पॉइंट्स हैं, एक्स और वाई, जी नहीं है। आर थ्री से मुराद आपके पास थ्री पॉइंट्स हैं, एक्स वाई जी। सिर्फ एक्स, उसमें कंडीशन गिवन होगी कि उसमें ये कंडीशन होगी कि आप एल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, वो कंडीशन गिवन होगी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर किस में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, यू और वी आपके पास वो वेक्टर्स हैं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में भी, वो जिस तरह वी वन वी टू होता है ना, आप वही u और v की बजाय v1 और v2 भी ले सकते हैं, v1 v2, ठीक है। v1 में वो वैल्यूज आ गई x1 y1 z1 और v2 में वैल्यूज आ गई x2 y2 z2, राइट।
राइट। अच्छा, इसके बाद हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि अगर आप इन दोनों के सम पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए, उन दोनों की सेपरेट सेपरेट आनी चाहिए, एल ऑफ यू प्लस एल ऑफ वी, राइट। ये फर्स्ट रूल है क्या, वो फर्स्ट रूल है, वो हमने प्रूव किया है कि क्या वाकई प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको मैंने प्रूव किया है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक थ्योरम टाइप ही समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद मैंने जब अप्लाई किया तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी u और v की, या v1 और v2 जो भी आपके पास हो, वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने उसको सम की फॉर्म में लिख दिया, सम की फॉर्म में लिखने के बाद मैंने उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी, यहां पे z खत्म हो गया, हाँ उस कंडीशन के तहत, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको आपके पास ये अप्लाई किया, उसके बाद फिर मैंने उसको दोबारा फिर वेक्टर्स की फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, उसको मैंने दोबारा फिर वेक्टर की फॉर्म में लेके गया, और उसके बाद मैंने उसको जिस तरह के आपके पास था ना ये कंडीशन को रिवर्स कर दिया, कंडीशन को रिवर्स करके मैं दोबारा इस फॉर्म पर आ गया, क्लियर जी, ठीक है। मोशन से भी पूछते, चलिए गुड हो गया। अच्छा, अब इसके मैं दूसरे रूल पे जाना चाहूँगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, कि दूसरा रूल इसका क्या है वो मैंने आपको लिख के दिया था, दूसरा रूल मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, एल ऑफ सी यू कर लो या वी कर लो, एक ही बात है, यू भी वेक्टर था आपके पास, तो सी ऑफ एल इनटू यू, ये सेकंड रूल है इसका, ठीक है। L of C U, okay? L of C, C आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है सी एक्स वन सी एक्स वाई वन सी जी वन, आपने उसको फॉर्म में लिख दिया। जब इस पर लीनियर कॉम्बिनेशन अप्लाई की उसके बाद ये फिर सी एक्स वन और सी वाई वन इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना, अब इसमें से कॉमन ले लें आप सी ऑफ एक्स वन वाई वन, अब एक्स वन वाई वन जो है ये आपको पता है किस फॉर्म में है, एल ऑफ यू, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया सेकंड रूल को, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गए, ये सेकंड रूल भी क्लियर हो गए, अगर ये क्लियर है तो काइंडली हैंड रेज कर दें, गुड। मोशन को भी क्लियर हो गया, बात को भी क्लियर हो, चलें जी। अब ये क्वेश्चन है, इसके रेलिवेंट है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है या नहीं है। अब ये देखें, मैं इसको रेज करके मैं क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, क्वेश्चन क्या है कि आप R से R में ही ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। कंडीशन क्या है,
डिफाइंड बाय एल ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ये आपके पास कंडीशन है, ठीक है। और आपको ये बताता चलूं कि एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर्स में आएंगे, एक्स है या वाई जो भी है, ठीक है। अब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, आर से आर है इसका मतलब है एक्स वाई होंगे, ठीक है। एल ऑफ एक्स प्लस वाई फर्स्ट एक्स प्लस वाई, अब इसमें जी ये बताओ कि कंडीशन क्या दी है। कंडीशन है एक्स स्क्वायर है, अगर मैं यू और वी को इस फॉर्म में ले रहा हूँ एक्स प्लस वाई में, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर जो है ये तो एल ऑफ एक्स बन जाएगा और ये एल ऑफ वाई बन जाएगा। अब ये कोई नई टर्म यहाँ पे आ गई है जिसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन रही, तो इसकी वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इस फर्स्ट रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रही, राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारे फर्स्ट रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रही, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो काइंडली हैंड रेज कर दें ताकि हम इससे आगे चलें। गुड हो गया, जब इस पर फर्स्ट रूल ही इस पर अप्लाई नहीं हुआ तो हम सेकंड रूल इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों रूल्स सेटिस्फाइड होने ज़रूरी हैं, ठीक है। इसकी मजीद प्रॉपर्टीज़ जो हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये हैं कि अगर आप किसी ज़ीरो वेक्टर पे अप्लाई करते हो तो आंसर आपके पास ज़ीरो आना चाहिए। इसकी फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है कि आप किसी ज़ीरो वेक्टर पे अप्लाई करो आंसर ज़ीरो है, ठीक है। अगर आप इसको जिस तरह मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, वो था सी वन बी वन प्लस सी टू बी टू इज इक्वल टू सी वन पी ऑफ बी वन प्लस सी टू पी ऑफ बी टू, ठीक है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखी थी ये वही है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर nth टर्म्स तक भी आप लो तो वो सारी की सारी वो उसमें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये तो सिर्फ टू आपके पास फैक्टर्स हैं, आप nth टर्म्स तक भी लो तो वो भी इसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर अप टू सो ऑन वी एन तक जा रहा हो, और कॉन्स्टेंट भी इसी तरह सी वन सी टू सी थ्री अप टू सो ऑन सी एन तक जा रहे हैं, जिस तरह हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में अप टू एन तक हमारे पास फैक्टर्स रहते हैं और कॉन्स्टेंट भी एन तक जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके प्रूफ के लिए ये प्रॉपर्टीज का भी प्रूफ गिवन है, आप इस पेज पे देख सकते हैं, पेज नंबर है 101 पे, हैंडआउट्स एमपीएच 501 के पेज नंबर 101 पे इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी आप देख सकते हो कि अगर कांस्टेंट को ज़ीरो ले लिया जाए, ठीक है, कांस्टेंट को अगर ज़ीरो ले लिया जाए तो ये जो सेकंड रूल है ये सेटिस्फाइड हो रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर, ठीक है। इसी तरह जब सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास वन और टू दोनों कंडीशंस गिवन होनी चाहिए,
उसमें सी और डी आपके पास वन हो, इस तरह के ये सेकंड को अप्लाई करने के लिए सी और डी यानी सी वन सी टू आपके पास वन हो, तो आप फर्स्ट रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें वन लेकर फर्स्ट वाली आप रूल लें, उसमें आप ये जो यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप सी और सी वन और सी टू लेकर उनकी जगह पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टीज भी जाएंगे तो वो जनरलाइज प्रॉपर्टी हमारी वो भी इसी तरह सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 में इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं कर रही, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन। अब इसमें अगर यहाँ पे जीरो हो टी ऑफ जीरो तो ये आंसर वन आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही, इसकी वजह से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया है आर एक्स और आर उन्होंने हमें दिया है 3x, इसका मतलब ये है आर की वैल्यूज उन्होंने हमें 3 दी है कि अगर आर 3 हो तो आपके पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बन गई टी ऑफ एक्स इज इक्वल 3x। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखें कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है आर 2 से आर 2। ठीक है, आर टू से आर टू है और टी ऑफ एक्स इज इक्वल कंडीशन ये है, इसके तहत आपने इसको सॉल्व करना है। आर टू से आर टू है और कंडीशन आपके पास ये है, जब आर टू से आर टू है तो इसका मतलब इसमें दो वेक्टर्स आएंगे यू और वी। ठीक है, जब दो वेक्टर्स आएंगे तो आप उसको लिख सकते हो, अब इसमें ये देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है टी ऑफ जीरो इज इक्वल जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी में हम जाते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी है सी वन वी वन प्लस सी टू वी। अब इसमें आपने वी वन और वी टू ये आपने दो वेक्टर्स ले लिए वी वन और वी। ठीक है, जब इसके आपने अप्लाई किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, इस कंडीशन को होल्ड करते हो 3 × C1V1 + C2V2। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई की तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्शन प्लान हुआ। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों से, ये देखा 3C1V1 + 3C2V2। ठीक है, अब आप ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो C1 को पहले लिख दें और 3V1 को बाद में लिख दें, इस तरह C2 को पहले लिख दें और 3V2 को बाद में लिख दें। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3V1 C1 ये टी ऑफ V1 बन जाएगा, इस इनवर्स जा रहा है ना इस प्रॉपर्टी इस कंडीशन के तहत, प्लस C2 टी ऑफ V2 ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी को इसने होल्ड कर दिया। अगर सेकंड होल्ड हो सकती है इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो सकती है, वो जनरलाइज प्रॉपर्टी आ जाती है अप टू एन तक। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज भी इसके लिए होल्ड करना जरूरी है, टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है और सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी ये होल्ड करती जो कि हमने उनको कंबाइन फॉर्म में लिखा है इन दोनों रूल्स। जी मोहसिन और फहद, अगर क्लियर है तो काइंडली हैंड रेज कर दें।
ताकि हम नेक्स्ट चल सके। मौसम को भी क्लियर है, फाद को भी क्लियर है, गुड हो गया। अब ये एग्जांपल 10 देखें, ये भी वेरी सिंपल एग्जांपल, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिया गया उन्हें और फाइंड द इमेज अंडर टी ऑफ यू, ये आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं यू और वी, ठीक है, और यू प्लस वी आपके पास ये बन रहा है। अगर दोनों को प्लस किया जाए तो ये बन रहा है। यू प्लस वी क्यों बनाया, क्योंकि हमने इसका जो रूल है, फर्स्ट रूल है, उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो टी ऑफ यू इज इक्वल ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो एंड फोर वन। ये फोर वन क्या है आपके पास, आप इसको फर्स्ट, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है इमेज अंडर टी ऑफ यू इज इक्वल फोर वन, ये टी एक्स आपके पास क्या है, जीरो वन माइनस वन जीरो एक्स वन एक्स टू, ये अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स टू और एक्स वन। अब ये जो x1 और x2 है, ये वो मैपिंग है जो वो हमें क्वेश्चन में बता रहा है, फाइंड द इमेज अंडर t ऑफ u, इमेज अंडर t ऑफ u इज इक्वल टू है 4 1, यानी u के अंदर x1 x2 और v के अंदर x1 x2 जो भी है उसके अंदर हम वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर आप t ऑफ u फाइंड करें तो यहाँ पे x1 x2 की बजाय आप u की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, u की वैल्यूज लिखेंगे आप, जीरो माइनस वन वन जीरो, u की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे क्या है, फोर वन, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस वन और फोर। इसको मल्टीप्लाई करने से भी यही आंसर आता है। अब अगर आप टी ऑफ बी लेंगे, उसमें बी के आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एक्स वन एक्स टू, टी ऑफ बी आप लेंगे तो बी आपके पास है टू एंड थ्री, ये आपके पास जीरो माइनस वन वन जीरो। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री और टू, ठीक है। जब आप टी ऑफ यू प्लस बी लेंगे, ये आपने पहले सिंपल टी ऑफ यू की फाइंड की, टी ऑफ वी की फाइंड की, टी ऑफ यू प्लस वी लेंगे उसके लिए फिर आपको यू प्लस वी की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यू प्लस वी की वैल्यू क्या है, सिक्स और फोर, जीरो माइनस वन वन जीरो, ये आपके पास आंसर आ गया माइनस फोर और सिक्स। अब आप ये देखें कि जो t ऑफ u प्लस v का आंसर आया है माइनस फोर और सिक्स, वही आंसर इसकी जो मैपिंग हमने ये ड्रा करवाई है, इन दोनों का सम भी यही आ रहा है, इन दोनों का सम भी यही आ रहा है जो कि हमारा t ऑफ u प्लस v का आंसर आया है, ठीक है। इसका मतलब कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड कर गई है प्रॉपर्टीज, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए आप दोनों के? गुड हो गया। और फहद के? जी फहद, चलिए गुड हो गया। आसान थी ना? चलिए गुड हो गया। ये जी हमारा लेक्चर नंबर 9 भी कवर हो गया है। अब आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, सेम इसी तरह आपने इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, और जो भी कन्फ्यूजन हो फिर आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। जी मोहसिन, क्लियर हो गया जो मैंने पढ़ाया आपको सारा? चलें जी गुड हो गया। अब इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आपने कंप्लीट करने हैं, और ये जो जिस तरह ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं ना, इनको भी आपने सॉल्व करना है ताकि ये पेपर में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, जी फहद आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें जी गुड हो गया। आज का हमारा लेक्चर बहुत बेस्ट रहा। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारी आप ये नेक्स्ट क्लास जो है ना आपकी नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट थी कैंपस की तरफ से कि नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास नहीं होगी। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।